वैश्वीकरण के इस दौर में आज किसी भी एक देश को महाशक्ति कहना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका कई मायनों में बाकी दुनिया से आगे है। लेकिन अधिकांश देशों की नजर में चीन सबसे उभरती हुई शक्ति है। यू सर्वे के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 10 में से 7 देशों ने ये माना है कि चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। हालांकि भारत की नजर में अभी भी अमेरिका ही आर्थिक तौर पर सबसे ताकतवर देश है। 41% भारतीयों के मन में चीन की प्रतिकूल छवि है। भारत के साथ ही जापान, एशिया के कई अन्य हिस्से और लैटिन अमेरिका के भी कई देशों की नजर में चीन आर्थिक महाशक्ति नहीं है, जबकि अधिकांश रूसी लोगों की नजर में चीन ही लीडर है। खास बात यह है कि लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे ऑस्ट्रेलिया में भी चीन को ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। 38 देशों में किए गए सर्वे में 47% लोगों की नजर में चीन के लिए सकारात्मक छवि है, जबकि 37% लोगों ने चीन के लिए नकारात्मक रवैया अपनाया। चीन और अमेरिका के बीच एक समानता ये दिखी कि दोनों देशों के नेताओं शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की छवि अधिकांश लोगों की नजर में खराब है। सर्वे में शामिल 53% लोगों ने विदेशी मामलों को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर अविश्वास जाहिर किया, तो वहीं 74% लोगों ने ट्रंप पर थोड़ा या बिल्कुल ना के बराबर भरोसा जताया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन को लोग शी जिनपिंग से भी कम पसंद करते हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल में 42% लोगों ने भरोसा जताया। रूस और नाइजीरिया के लोगों की नजर में चीन सबसे ऊपर है। यहां 70% लोगों ने चीन के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। टीम इंडिलिंग्स।